लक्ष्मी गणेश मूर्ति विसर्जन पर 9 नवंबर को सुबह 8 बजे से 10 नवंबर को मूर्ति विसर्जन की समाप्ति तक महानगर क्षेत्र में समुचित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के 20 रूटों का डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संतकबीर नगर की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को 9 नवंबर को प्रातः 8 बजे से लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक सहजनमा बाईपास 0 पॉइंट से ही डायवर्जन किए जाएंगे। यह वाहन बागागाड़ा रामनगर करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। बढ़लगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले वाहनों को 9 नवंबर को प्रातः 8 बजे से लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक बेलीपार क्षेत्र बागागाड़ा स्थित फोरलेन पर डायवर्जन किया जाएगा। ये वाहन रामनगर करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अमर उजाला तिरहा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रोडवेज एवं प्राइवेट बसों को अमर उजाला तिरहा से डाइवर्ट किया जाएगा। ये वाहन देवरिया बाईपास से रामनगर करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी डाइवर्ट किए जाएंगे। नौसर चौराहा से TP नगर चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बागागाड़ा रामनगर करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। दुर्गाबाड़ी अलीनगर बख्शीपुर जुगनू तिराहा टीपी नगर राप्ती नदी के पुल के मार्ग पर किसी प्रकार के चार पहिया दो पहिया रिक्शा एवं साइकिल के आवागमन प्रतिबंधित रहेंगे। घोष कंपनी से नखास तक तथा घोष कंपनी से रेती चौक तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अलहदादपुर तिराहा से घंटा घर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांडेहाता घंटाघर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल से बर्फखाना हांसूपुर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हुमायूंपुर रेलवे क्रॉसिंग से गंगेश चौराहा अलीनगर बख्शीपुर घंटाघर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अग्रसेन तिराहा से बख्शीपुर चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। विजय चौक से अलीनगर चरणलाल चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। खूनीपुर साहबगंज से बख्शीपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। घासी कटरा मिर्जापुर लाल डिग्गी से बख्शीपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। लाल डिग्गी से गीता प्रेस रेती चौक तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। फल मंडी चौराहा से राजघाट पुल की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। जटाशंकर तिराहा से अलीनगर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मदीना मस्जिद चौराहा से शाहमारूफ जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के राजकीय वाहन एवं प्राइवेट वाहन आदि CS चौराहा मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चार पाठक ओवरब्रिज से कोवाबाग बाईपास मार्ग से पादरी बाजार चौकी फातिमा अस्पताल खजांची चौराहा होते हुए भगवानपुर के रास्ते बरगदवा चौकी होकर फरिंदा सोनौली की तरफ जाएगी। रोडवेज एवं एम्बुलेंस जैसे वाहनों को आने जाने दिया जाएगा। फरिंदा पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बरगदवा तिराहे से फर्टिलाइजर झुंगिया होते हुए खजांची चौराहा से फातिमा अस्पताल पादरी बाजार चौकी चौराहा बाईपास मार्ग से चार फाटक ओवरब्रिज मोहदीपुर होते हुए देवरिया एवं कुशीनगर की ओर जाएंगी।